बैड बॉय जी, आपने मुझसे बात करनी है कि अभी भी नहीं करनी? हाँ भाई, बात तो करना है, आपने कट कर दिया। मुझसे बात करें ना, किसी और से बात नहीं करनी है, आपने मुझसे करनी है। मैं इस चैनल पे हाँ, बैठा आपसे हूँ, आप करना है, मुझसे साहिल करें भाई से करना है। करें मतलब मैं, मतलब फिलहाल तो मुसलमान ही हूँ। मतलब आप लोगों का काफी दिनों से मैं वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बोलते हैं, तो काफी दिनों से मैं जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे साहिल भाई ने ऐड ही नहीं किया। मुद्दे पे आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। हाँ, मुद्दे पे, समझ मतलब आप लोगों से, आप लोग जो बोलते हो मैं मतलब सुनता हूँ और काफी हद तक मुझे सही भी लगता है। ठीक है काफी हद तक सही लगता है। कौन सी चीज है जो जी। अभी तक सही मतलब नहीं लगी और जिसकी वजह से फाइनली आप अभी तक इस्लाम में फंसे हुए हैं? मैं कोई फंसा हुआ नहीं हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मतलब क्या है इस्लाम, कुछ क्या है। मतलब मुझे पता है ये कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, बस, और कुछ नहीं पता है। और मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को कोई फोर्स भी नहीं फिर किया, कभी यहाँ पे बोला नहीं कि क्यों फंसे हुए हैं इस मजहब के अंदर? साहिल भाई, ये आप वाला भाई है, जरा आप इनसे बात करेंगे? ये मेरे लेवल का भाई नहीं है, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप हैं यहाँ पे साहिल भाई? साहिल क्या भाई, कहना है भाई, क्या क्या तकलीफ, क्या है? तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो आप लोगों से, जिन लोग डिबेट करता है ना, जो मुसलमान लोग, मुझे उन लोगों से तकलीफ है, आप लोगों से कुछ तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ है उनसे? वो जो आके उन लोग डायलॉग मारते हैं, ये वो, मतलब इन लोगों ने इस्लाम को जो है ना, वो कार्टून का, जो कार्टून चैनल में जो आता है कि यहाँ पे वो मौजीजा हो गया, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे अल्लाह ने ये कर दिया, ये साइंटिफिकली कुछ अगर सोचोगे आप, क्या ये आपको सही लगता है? उन लोगों को सही लगता है, मैं उन लोगों को पूछता हूँ, आप लोगों को तो सही नहीं लगता, इसलिए आप लोग निकल गए इस्लाम से। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या अच्छा, लॉजिक क्या है जी? आप कभी नमाजे वमाजे पढ़े हैं भाई? मैं जब भी 20-21 साल का था तो तभी मैं नमाज पढ़ता था, मतलब सूरह लगभग इरा तो 8 महीना सारे 5 वक्त आपको, का नमाज पढ़ा था बस। सूरह इरा याद है? वो सब मैं भूल गया, लेकिन वो सूरह इखलास पता है सूरह एक गिलास? जी। यार पब्लिक 5 गिलास पी के बैठ रही है, तुमको 1 गिलास याद है खाली? मेरे को कभी जरूरत पड़ा ही नहीं कि मैं सीखूं या मुझे साहिल क्या इस्लाम से। कर ये भारी का भारी। अच्छा, 5 गिलास पीने के बाद भी बहुत सी अगर पब्लिक ऐसी भी है वो कहती है नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था। भाई थोड़ा अच्छा, सुन एक तो गिलास लो मेरे सुना को। दो भाई। हाँ, तो कुल हु अल्लाह हु अहद, अल्लाह हु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। चलो सात ये गिलास क्या है पांच यार, सही बोला मैंने? पांचों पांचों नमाज के नाम बता दो। फजर, जहर, असर, फजर, जहर, ये जहर ये सब जो भी है, मतलब मुझे उतना कुछ पता जहर नहीं है। भाई, ये जहर कौन है? ये कतई जहर ही तो हो गया। वो जिन लोग आते हैं ना आप लोगों से लड़ने के लिए, उन लोगों के लिए जहर है बस। कतई जहर, कतई जहर। ठीक ठीक है आप भाई, चलो साहिल भाई, बैड बॉय भाई। देखो, साहिल अच्छी भाई बात है, आप सिर्फ नाम के लिए, चूंकि आप उसमें पैदा हुए हैं इस वजह से आप जी, मुस्लिम हैं, हम समझ गए। तो बस कोई नहीं, आप एक काम करो, कुछ इस्लामिक चैनल्स है, आप वहां पे जाके ये सारे सवाल उनके साथ रखो। आप नहीं, मुझे उन लोगों से बात ही नहीं करना है, आप लोगों से बात करना है। थोड़े जब हो गई ना, से फिर थोड़ा आप एक काम हो करो, गई। नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में ज्वाइन करो। हाँ, तो मैं, आप मेरे को सुनोगे पूरा तो? सुन लिया सर, जितना सुनना था इसके बाद नहीं सुनना। लेकिन ये 5 गिलास का जवाब नहीं था साहिल भाई। इससे नहीं सुन सकता मैं। यार क्या कॉमेडी चल रही है यार ये। सूर गिलास, कतई जहर, ओह माय सूर गॉडनेस। खल्लास, सब चल गया। नहीं साहिल भाई, एक ट्रू बिलीवर आया आपसे बात करने। जी ट्रू कौन बिलीवर, ट्रू बिलीवर है जी, ट्रू बिलीवर जी, ट्रू बिलीवर बोलिए। हेलो? हजरत आयशा की आवाज ना आ जाए यार। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। हाँ हेलो जी सर, जी सर, हेलो भाई, बोल रहे हैं साहिल भाई।
साहिल भाई, साहिल भाई आपसे बात करें। रूप सर, ये साहिल भाई, ये आपका आपका फ्रेंड आया, अच्छा मैं आवाज पहचाने नहीं भाई की। अभी पहचान लेंगे आप। हाँ भाई प्यारे भाई। और साहिल भाई ठीक है? अच्छा हाँ अभी देखो मोमोज खा रहा हूँ। केले केले खा ले तू अच्छा मोमोज अच्छा सारे। अच्छा गीले गीले अभी गरम करके लेके आया हूँ खाने के लिए। साहिल भाई, थोड़ा इस्लाम से रिलेटेड कुछ पूछना था मुझे। आप खुद मोमिन है क्या भाई? जी जी भाई नमाज वमाज पढ़ते हैं? जी, कोई सुरायरा सुना सकते हैं? क्यों डाउट है भाई आपको? कौन हाँ इसी वजह से पूछे ना। सी सुनाए? सूरे चींटी सुना सुना दे। कौन सी? सूरे चींटी ये कब नाजिल हुई? देखो यही कुरान में नहीं है? ट्रू बिलीवर है और इनको मालूम ही नहीं है सूरे चींटी है। सूरज चींटी अच्छा नहीं सूरे होता? मकड़ी सुना दे। हाँ सूर्य मकड़ी, हाँ? मैंने भी सूर्य मकड़ी सुना, सूर्य मकड़ी सुने। ये तो नहीं उसके आती बाद है। सूर्य हाथी भी, सूर्य हाथी उसके बाद। सूर्य हाथी तो बहुत छोटी है यार। सूर्य मक्खी, सूर्य सूर्य हाथी मक्खी सुना सुना दे। दे। सूर्य मक्खी यार, इतनी छोटी सूरत की सुन रहे हो साहिल? सूर्य मक्खी, सूर्य मक्खी जो हमको आती है वो हम सुना दे रहे हैं। नहीं मैं तो सूर्य लूटमार सुना दो। लूटमार का माल, लूटमार का माल सुना दो। अरे भाई एक क्वेश्चन एक लाए थे, वो आपको जवाब नहीं, देना है पहले अभी तो। भाई पहले सूरज सुना। साहिल यार कितना जबरदस्त नाम रखे हुए अल्लाह मेरे सूटों के ना, आई लव इट। जो जो नाम लिए हैं परफेक्ट है, और हम लोग दिखला भी सकते हैं, मजाक नहीं कर रहे, हकीकत कर रहे हैं। सूर्य मकड़ी भी है, सूर्य हाथी भी है, और सूर्य मक्खी की भी बतला रहे थे, है ना? अब सूर्य लूटमार। ये सब नहीं अच्छा आती जो है मुझे। तुमको आता है वो सुना दो। चलो अब आ गए ना साहिल इस बात पे, गलत हो गया काम। अच्छा चलो बात करे से, मैं आता हूँ। हाँ भाई। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फिन मअकूल। ठीक तो है यही सूरे हाथी है भाई। अच्छा क्यों झटका लगा क्या ऐसे नाम सुन के कि कुरान में भी ऐसे नाम होंगे हाथी मकड़ी? नहीं, झटका वाली नहीं बात है ऐसी, बस तो भाई को ये पूछना था कि जो है आपकी स्ट्रीम मैंने देखी तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम पे तहकीक की, थोड़ा बहुत तो जो है, तो मुझे भी एक मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि जो है यहाँ ऊपर वाला इतना गफूर रहीम रहमान है, रहम करने वाला है, तो वहीं पे कुछ हदीसें ऐसी हैं जैसे इसमें कहा है कि जो है, एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो एक व्यक्ति नमाज छोड़ेगा जान पूछ के, वो जो है 2,88,00,000 साल जहन्नुम में जलेगा। भाई ये तो हदीस का सोचो, रेफरेंस दे सकते हैं आप? क्योंकि मुझे जो हदीस पता है वो ये है कि एक 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 ईमान वाले, मुस्लिम और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये नमाज की सजा जो है ना, कितने साल जहन्नम में जलेगा, ये मैंने कोई आज तक कोई भी सही हदीस से नहीं सुना है। और मैं ये दावा भी नहीं नहीं कर रहा हूं ऐसी सही हदीस नहीं होगी। अगर कोई है तो आप बता दे प्लीज। नहीं तो हदीस तो है, ये मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं अभी तो नहीं पेश कर सकता हूँ। तो ये नहीं, हदीस ऐसी है कुछ हदीसें हैं साहिल भाई कि नबी ने कहा है कि एक सज्दा छोड़ने की सजा और कुछ सालों बताइए, तो इस तरीके से वो काउंट कर लेते हैं कि अगर फजर में इतनी रकात या जोहर में इतनी रकात है तो कितनी साल की सजा मिलेगी। दूसरी एक जगह नबी ने कहा है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से अगर कोई बेनमाजी गुजर जाए तो उसकी सजा के बारे में भी नबी ने बताया है कि शायद 70 या 72 साल उसको आग में जलाया जाएगा। तो इस तरीके से काउंट करके वो बतलाए थे कि एक पूरी नमाज मुकम्मल एक दिन की छोड़ने पर कितनी सजा बनती है ऐसे। अच्छा तो सवाल क्या है भाई का? लेकिन हमारा सवाल यही था भाई कि जो है, जो इतना मतलब रहमान रब है तो वो क्यों इतना जलाएंगे एक नमाज छोड़ने पर, ये सब की जो है इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा बहुत आपका था। सवाल जो है वो वैलिड है। आप मुसलमान है क्यों? जी वो हो रही है, बस यही पूछना कि हमें बस एक सवाल है, उसका अगर जवाब देंगे तो जो नहीं है बिल्कुल मैं आपकी काफी बात हद सही तक। है ये। बिल्कुल देखो सबसे पहली बात तो जब आपका दावा ये है कि किसी के नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से अल्लाह की शान में ना बढ़ोतरी होती है ना कोई उसमें घाटा होता है या कमी होती है,
ठीक है, तो जो चीज से कोई ना बढ़ोतरी हो रही है ना कमी हो रही है तो उस पर सजा क्यों? और इस पे मैंने दो स्ट्रीम की है, आप मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पे जाके चेक कर लीजिए, वहां पे हमने कई मोमिनों से सवाल किया कि भाई क्यों सजा है इस पे अगर है तो। ये सजा इसीलिए कि ये उसका हुक्म है कि वो हमको रोजी देता है, खिलाता है, तो उसका एक हुक्म है कि जैसे नहीं, कि नहीं आपको मां भाई बाप पालते हैं तो उसके लिए सुनो, रोजी देता है या खिलाता है तो उसके लिए एक रहता है कि आदमी दिल से उसका शुक्र अदा करे, है ना। अभी जैसे आप खुद सोचो, दुनियावी लिहाज से भी एक ऐसा इंसान जो किसी पे एहसान कर रहा हो और वो फिर एहसान जताए तो उसको अच्छा इंसान बोला जाता है या बुरा इंसान बोला जाता है? एहसान जताए इसको तो नहीं अच्छा इंसान बोला जाएगा। एग्जैक्टली, है ना। तो अगर थोड़े देर के लिए मान भी लेते हैं कि अल्लाह रोजी दे रहा है, अल्लाह खिला रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं, कई सारे लोग बिना रोजी के मर जा रहे हैं, तो जो रोजी खिला रहा है इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो जबरदस्ती करे अपनी इबादत करवाने में। एक जो दिल का मामला होता है, एक जो मोहब्बत होती है, वो जबरदस्ती से नहीं आती है। मोहब्बत कभी जबरदस्ती से होती है क्या प्यारे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, नहीं होती है ना। तो उसपे सजा और फिर उससे कोई, अभी जैसे मिसाल के तौर पे कोई ये सवाल कर सकता है कि भाई कोई टैक्स नहीं दे तो उसपे क्यों सजा डाल रही है गवर्नमेंट? वही वही हम ये सोच रहे कि जो है इतना गफूर रहीम, जो रब इतना रहम करने वाला है, वो सिर्फ एक नमाज छोड़ने पर 2,88,00,000 साल की, मतलब इतनी लंबी सजा एक नमाज छोड़ने पर सिर्फ, यही हदीस हमारे बहुत दिमाग में करती है भाई, बहुत इसके वो है। तो इसका जवाब ये है ट्रू बिलीवर भाई कि इस्लाम जो पूरा टिका हुआ है वो डर और लालच पे है। आपको हर चीज के लिए डराया गया है और फिर उसके साथ साथ आपको करने पे लालच दी गई है ताकि आप पूरी तरीके से इनके ताबे में रहे, बाहर से कुछ सोचे ही नहीं, यानी आपको बिल्कुल एक रॉबर्ट की तरह बना दिया गया है कि जैसा बताया है वैसा करो वरना फिर आपके लिए नुकसान ही नुकसान है। ओके भाई, बात है कहना चाह रहे कि जो कहते हैं फ्री विल, और जैसे कि हमको भी जैसे कि कोई नमाज ना पढ़े या फिर कोई दिन छोड़ दे तो उसको कहते हैं शैतान, ये कहते हैं कि जैसे कि कोई नमाज ना पढ़े या अपना दिन छोड़ दे तो इस्लाम में कहते हैं कि जो है हदीस में आता है कि जो है तुमको खुदा ने गुमराह कर दिया, तुमको तौफीक नहीं दी उस चीज की, अगर कोई गलत चीज करे तो फिर कहते हैं कि तुम पर शैतान मुसल्लत हो गया, तो अपना तो कोई इरादा ही नहीं, अगर कोई चीज जा रही तो शैतान ले गया कुछ, वो अच्छा दे अगर नमाज पढ़ने तो तौफीक दे रहा है खुदा, तो अपना क्या इसमें काम है। सही बात है। इस पे अभी देखिए कल एक डिस्कशन हुई थी, एक मुस्लिम भाई आए थे, मुस्लिम थे लेकिन बहुत बात बहुत पते की कर रहे थे, और इसी पे फ्री विल के ऊपर एपिसोड नंबर 2 हम ट्यूजडे को करेंगे, उसमें आप जुड़ना और सुनना कि क्या इस्लाम में फ्री विल है या नहीं है। तो आपको ये वाला मैटर भी जो है, हालांकि आपका क्लियर है, और जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो आम तौर पर जो अवाम होती है उसमें ये बात बिल्कुल कॉमन है, वो तो जब एक्स मुस्लिम से बात करने आते ये लोग तब इनकार करते हैं, वरना आप मुस्लिम मुआशरे में देख लीजिए, उलमा को देख लीजिए, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो पहली बात यही आती है कि अल्लाह ने इसको हिदायत नहीं दी या अल्लाह ने इससे हिदायत छीन ली, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा। क्या आपने ये सुना है या नहीं सुना है कई बार? जी जी कई बार सुना है, कई बार। तो भाई जब अल्लाह ने छीन ली तो भाई मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी क्या गलती है उसमें? अल्लाह अगर नहीं छीनता तो मैं पढ़ रहा होता नमाज? जी, अगर पढ़ रहे तो ऊपर वाले ने तौफीक दी। हाँ, तो उसमें भी कोई तुम्हारा वो नहीं। तो ये आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, अब बताइए कि अब आपको क्यों रहना है इस्लाम में? बस एक वजह है भाई, एक वजह। क्या वजह है वो? आप एक जवाब हमारे वही हमको रोके पड़ा कि ये जो है हक वाला मजहब है इस्लाम, वरना तो मैं तो अभी तक की जो है बहुत कुछ, एक बस अगर आप आंसर दे दें। क्या क्या समझा नहीं, क्या सवाल है, एक क्या वजह है वो? कहने साहिब भाई बस जो है एक वजह है जिससे मैं इस ये मानता हूँ कि जो है जो इस्लाम है ये हक मजहब है, अगर बस उसी पे
अगर वो भी क्लियर हो जाए तो फिर मुझे भी इसमें वो थोड़ा बोलना दिक्कत ना हो उसमें निकलने में। यार क्या वो वजह तो बताए। वो वजह ये है भाई कि जो है अब से कुछ साल बहुत साल पहले तो जो है हम मेरे जो है बस्ती में, मतलब मैं यूपी से हूँ, तो एक जो है मतलब बहुत ही पीर बाबा थे, मतलब अल्लाह के वली थे, मतलब बहुत, तो उनकी मजार है। अब जो है आपके लिए वो मुझे फैन बात बंद करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। चलिए मैंने फैन बंद कर लिया, बताइए अभी। हाँ, वली की मजार है, उसमें क्या हुआ? तो जो है मतलब जो है अल्लाह के वली गुजरे हैं, वो मस्तान मियां है उनका नाम है। मतलब तो जो है हम लोग का ये आंखों देखा ये हाल है। यहाँ से बहुत साल पहले हम लोग दोस्त लोग थे तो उनके वहां गए थे, तो ऐसे सब बैठे थे, तो वो भी बैठे थे, हम लोग से बात बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या नमाज पढ़ी जाने। तो जो है कोई आदमी आया तो वो कहने लगा कि जो है मुझे भूख लगी है या कुछ, उसने कहा कि खाना क्यों नहीं चाहिए या कुछ भी, तो गूंदा हुआ आटा लेके आए। हेलो, हाँ, सुन वो रहा हूँ। गूंदा हुआ आटा लेके आया, फिर गुदा हुआ आटा मतलब ऐसे उनके पास रखा था, मतलब गीला तो उनके पास था। तो उन्होंने क्या किया, जो है एक तवा था, तवे के नीचे कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ था ही नहीं, बस तवा था। तो उन्होंने तवा रखा और रोटी मतलब ऐसी बनाई जो मतलब गोल करी, तो सब कहने, तो हम दो तीन लोग थे, कहा था कि जो इसमें नीचे आग तो है ही नहीं, ना आग है ना अंगारे, तो ये रोटी जले ही कैसी। तो उनका चुप रहो, कुछ नहीं बोले। तो उन्हें रोटी को जो है उस तवे पे रखी, तो हम लोग कहे थे यार इसमें तो नीचे ना आग है ना कोई ओला है, तो ये रोटी फिर कैसे बनेगी। तो पता नहीं वो ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने जो है रोटी को बस जैसे जस्ट पलटा, उसको टर्न किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरी रोटी जल रही थी, मतलब एकदम। तो हम लोग ये देख के हम लोग के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ना इसमें नीचे आग है ना कोई वो है, वो मिरेकल पूरी मिरेकल रोटी सीख मिरेकल गई। मिरेकल। अच्छा मेरे प्यारे भाई, देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं एक और जो बात, एक और इस्लाम चीज के, ये है। हेलो हेलो इसका जवाब भाई दे दूं भाई, पहले। हेलो सर, एक सेकेंड एक बस एक बस। ऐसे ही जो है उनके कान में बैठ के, मतलब हम लोग जाए छोटे थे तो देख रहे थे, तो उनका जो ड्राइवर था ये हम लोग ये भी आंखों देखी बात है, तो उनके साथ थे, तो वो जो मीटर होता है फ्यूल का वो बिल्कुल खत्म हो गया था, मतलब बिल्कुल पेट्रोल खत्म हो गया था। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई कि आप सब देखिए बिल्कुल पेट्रोल खत्म हो गया ये, तो उन्होंने कहा कि चलाते रहो चलाते रहो। तो कहा अरे ये बिल्कुल आगे गाड़ी नहीं जाएगी, यही बंद हो जाएगी, तेल डला दीजिए। वो उनका बस चलाते रहो, हम कह रहे हैं चलाते रहो। तो वो गाड़ी वो चलाते रहे चलाते रहे, तो मतलब कि वो गाड़ी आगे जो है 1 किलोमीटर नहीं चलनी थी, वो 6-7 किलोमीटर चल भी गई। फिर उसमें देखा गया तो तेल भी पता नहीं कहाँ से, वो ड्राइवर कह रहा था बिल्कुल खत्म हो गया था, तेल भी उसमें भरा। तो कह रहे थे वो जो ड्राइवर था वो शायद किसी और ही मजहब का था, फिलहाल वो उनके उसमें जो इस्लाम भी मतलब लिया था, फिर उनका वो चेला बन गया था। तो बस मुझे बेसिकली आपका मुद्दा यह है कि वो जो हजरत जिस जिनको आप जानते जी हैं वो वो इस जी जी करामत करते थे। हाँ वो मतलब अल्लाह के वली, तो हम लोग से भी कहते थे जो नमाज पढ़ के नहीं आता था वो उसको भगा देते। तो बस यही हमारे वो चलता था, चल रहा हाँ दिमाग में तो कि यार भाई जवाब ये दे कैसे उन्होंने दूं। किया है। जी, देखिए ये जो इस तरीके के यानी मिरेकल 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 जो होता है, आपको मालूम है कि ये हर रिलीजन के जो कुछ लोग होते हैं वो इस तरीके की चीजें परफॉर्म करते हैं। क्या आपको मालूम है? नहीं ये तो नहीं हुई मालूम हर रिलीजन की वैसे। आप एक काम करो, आप एक काम करो, सल यूट्यूब भाई पे जाकर। सल भाई, अगर एक मिनट दें पहले, हाँ एक मिनट प्लीज दें। गो अहेड। पेट्रोल नहीं है, गाड़ी की गेज खराब कर दो, पेट्रोल ना दिखा और गाड़ी चलाते रहो, कोई मसला नहीं। साबित तब होगा जब तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ, उसमें से सारा पेट्रोल सक आउट करो, स्टार्ट करो और गाड़ी स्टार्ट ना हो, और बाबा जी की करामत दिखाओ मुझे कि तुम्हारी गाड़ी बगैर पेट्रोल के चलना शुरू हो जाए, तो मैं मानूंगा। अपनी गाड़ी लेके जाना, किसी दूसरे की नहीं। जहां तक बात रही रोटी पकने की, आपको आपने कभी इंडक्शन स्टोव के बारे में सुना? नहीं ओके, इंडक्शन स्टोव को तकरीबन 10-15 साल हो चुके हैं हुए बहुत आराम से। अगर आप कभी इंडक्शन स्टोव वाले कुकटॉप को देखोगे तो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक पत्थर है, और वो पत्थर के अंदर डाल देते हैं, जी। लगा देते हैं इंडक्शन स्टोव। उसकी सरफेस को हाथ लगाओगे तो ठंडी होगी, इट इज एब्सोल्युटली कूल। लाइक उसे हाथ लगाओ जितना मर्जी हाथ लगाओ ठंडी होगी। वो किसी खास किस्म की इंडक्शन से चलती है, उसके ऊपर जब आप प्लेट रखते हैं तो
तो वो उसके ऊपर रखने की वजह से वो गर्म होती है और उसके ऊपर आप जो मर्जी लगा लो वो चल जाता है। इंडक्शन स्टोव स्पेशली उस इलाके में लगाया जाता है, उस जगह पे लगाया जाता है जहां पे बच्चों की आमतौर पर बहुत ज्यादा है और आपको बच्चों की रसाई में स्पेशली इंडक्शन स्टोव रखना है। लिहाजा इंडक्शन स्टोव्स आर वेरी एक्सपेंसिव बट यू कैन स्टिल बाय देम, ठीक है। दे आर मेड आउट ऑफ मैग्नेटिक रेज और द फैक्ट अबाउट देम इज, एक जमाने में मैं सोच रहा था कि इंडक्शन स्टोव खरीदूं लेकिन उसके लिए हमें जो नॉर्मल कटलरी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है और एक खास किस्म के मटेरियल का बनती है उसके बर्तन भी जो कि उसके ऊपर रखे जाते हैं कि अभी वो इतना आम नहीं हुआ। तो भाई ये जो ये इस टाइप के मेरेकल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक टच होता है, हाथ का टच जिसे हम नजर नजर का टच या इस टाइप की चीज, मगर उसके पीछे कोई ना कोई साइंस चल रही होती है। सो वंस अगेन इसके थ्रू आपको साबित नहीं कर सकते, वरना आप इंडिया में अगर रहते हैं तो इतने बाबाओं के मजार मजार कह रहा हूँ, इतने वो योगीज हैं, वो इतना सारा कुछ कर रहे हैं वहां पे कि आप तो मेरा मतलब है फिर हिंदू बन जाए। इफ दिस इज हाउ इट इज देन मैं कहता हूँ वेलकम, जो वहां के योगी हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं इसके बारे में। इंडक्शन यहाँ पे ख्वाजा साहब की मजार है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वहां पे एक बाबा ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, वो हाथ ऐसे लहराते हैं और उनके हाथ में काजू किशमिश आ जाता है और ये मैं खुद करता हूँ और मैं जानता हूँ उसकी ट्रिक क्या है। लोग देख करके उन पर ईमान लाते हैं और पैसा चढ़ाते हैं। ये देखें, ये कह रहा है कि भाई इंडिया में सिर्फ 500-800 में मिल जाता है इंडक्शन स्टोव, ले लें ले लें। आप लोगों को नया अपना नया दीन बना लेना, ठीक है। और इंडक्शन स्टोव का सबसे बड़ा फायदा ये है, उसको आप पत्थर की सिल के अंदर लगा सकते हैं। पत्थर की सिल समझते हैं, पत्थर की सिल के अंदर लगा दें, ठीक है, और वो जमीन के ऊपर रख दें और नीचे से तार ले जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नया मजहब क्रिएट करें और रोटियां पकाते जाएं उसके ऊपर, तवा रखें, रोटियां पकाते जाएं, माशाल्लाह कमाल रोटियां पकती जाएंगी और आप कहें लो जी आ जाओ मेरे दीन में और खुद नबी बन जाओ। इतना पैसा कमाओगे, एक एक रोटी के ऊपर लोग इतना इतना तुम्हें हजारों रुपया वहां पे देते जाएंगे। इंडक्शन स्टोव है भाई, कभी सर्च तो करो इंडक्शन स्टोव क्या होता है। मैं जब तुम्हारी बात सुनी थी मुझे पता लग गया था गेम के चल रही है यहाँ पे। जो भाई आप बात बताए वो तो मैं तो अपना डाउट क्लियर ही करने यहाँ पे आया हूँ कि जो आप लिहाजा हम जो है ना इस किस्म के मैजिक ट्रिक्स जो होते हैं ना उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन आपने जो कि कर दी, आपने कहा ये आखिरी मुद्दा है, उसका मैंने जवाब दे दिया, बाकी के जवाब साहिल ने दे दिए। अब आप इस्लाम को छोड़े ना छोड़े आपके ऊपर है, मेरा तो ख्याल आप छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपने कहा था ये आखिरी मुद्दा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो वो आप इंडक्शन मशीन जा लेते वो हम लोग के सब एकदम आंखों के सामने, वो तो एक पतला तवा था वो हम लोग के सामने, वो उसकी जी वो हवा में रखा हुआ था या किसी पत्थर पे रखा हुआ था, मिट्टी पत्थर पे रखा हुआ था ना, मिट्टी की हुई बनी हुई जो वो होती है मतलब क्या उसे कहते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग ने बाद में देखा भी था वो, क्योंकि वो मैग्नेटिक रेस से चलता है लिहाजा उसके ऊपर पत्थर की सिल लगा दो या मिट्टी रख दो डज नॉट मैटर। उसको को के तवा हवा में रखे, हवा में रखे, किसी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, मिट्टी को पत्थर को किसी को टच नहीं करना चाहिए, उस बंदे के हाथ में हो फिर पका के दिखाए फिर मानूंगा। अगर वो उसकी कब्र के ऊपर है तो भी उसके अंदर इंडक्शन स्टोव हो सकता है क्योंकि इंडक्शन स्टोव मैग्नेटिक रेस की वजह से है, मैग्नेटिक रेस जो है ना पत्थर की सिल को भी क्रॉस कर जाती है। मैं अभी गूगल करके आपको दिखा देता हूँ कि पत्थर की सिल के नीचे वो क्या होता है साहिल, कुक टॉप के ऊपर लगाते हैं यार एक खास किस्म का पत्थर जिस जो खूबसूरत होता है बादल की तरह का लगता है, क्या होता है यार, ग्रेनाइट, नहीं नहीं वो बोला ग्रेनाइट टाइप का जो पत्थर होता है वो उसी के साथ होता है, ग्रेनाइट होता है, हाँ बड़ा खूबसूरत खूबसूरत लग जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि इसके नीचे इंडक्शन स्टोव है, आपको पता ही नहीं लग सकता क्योंकि मार्बल की बात कर रहे हो क्या, मार्बल, यस मार्बल मार्बल मार्बल, तो आपको पता ही नहीं लग सकता क्योंकि वो मार्बल के नीचे है, ऊपर से मार्बल मार्बल है, आपको पता ही लगेगा इंडक्शन स्टोव है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये इंडक्शन स्टोव है, आप मार्बल रख लें मिट्टी रख लें कुछ भी रख लें। ये देखिए राइट साइड में जो बड़ी स्क्रीन है ये असल में स्टोव के ऊपर पड़ा हुआ है, ये असल में स्टोव है, इंडक्शन स्टोव है, ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है बर्तन भाई, मालूम ही नहीं पड़ रहा है तो ये पूरा मार्बल है, आपको पता नहीं लग सकता बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ रहा है तो मालूम पड़ ही नहीं सकता। ये देखो ये इंडक्शन स्टोविंग है,
मिराकल 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 पत्थर में से पत्थर, ये देखो ये मार्बल नहीं है, ये सादा सादा प्लास्टर है, उसके ऊपर नीचे है ना, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेटिक रे से बनता चलता है, मैग्नेटिक रे से, तो उसके ऊपर आप कुछ भी रख दो, कोई भी चीज रख दो वो फिर भी चल जाएगा। ये देखो ये लो, वो साथ में कंप्यूटर रखा उसने इधर, ये देखो घी गर्म हो रहा है, ये बटन है इसके, ये बटन नजर आ रहे हैं मेरे माउस के नीचे, बटन नजर आ रहे हैं, टच बेस्ड बटन है, सेंसर बेस्ड, क्योंकि ये सरफेस से गर्म होना ही नहीं, आप लैपटॉप यहां से उठा के यहां पर रख दो लैपटॉप गर्म नहीं होगा। ये वाला खास बर्तन जो है उसके अंदर जो मटेरियल है सिर्फ वो गर्म होएगा। दीज आर कॉल्ड इंडक्शन स्टोव्स। साइंस है भाई, साइंस है, साइंस है। ये देखो कैसे बनाते हैं, नीचे इंडक्शन स्टोव है, ऊपर ये मार्बल रख दिया काउंटर टॉप, नीचे उसके चिपका दिया, अब इसके ऊपर काउंटर टॉप रख दो किसी भी तरीके से, या मट्टी लगा दो, पत्थर लगा दो, डज नॉट मैटर, क्योंकि हीटिंग हीटिंग नहीं निकलेगी, ये इंडक्शन है। जाके सर्च कीजिए मेरे भाई। और भाई देखो भाई, अगर इसको मिरेकल कंसीडर कर रहे हो तो मिरेकल आपको हर जगह पे मिलेगा, हिंदुइज्म के मानने वालों में भी मिलेगा, क्रिश्चियनिटी के मानने वालों में भी मिलेगा, और मैं तो समझता हूँ कि एथियस्ट वाले में भी मिल जाएगा मिरेकल। तो अरे भाई मुझसे कभी मुलाकात हो जाए मुझसे, तो मुझसे काजू किशमिश मांगना, मैं निकाल के अपने हाथों से दूंगा, खाना नहीं, लेकिन खाने से पहले एक बार सूंघ लेना, क्योंकि कहाँ मैं रखता हूँ मैं जानता हूँ। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई आपको मिरेकल करके दिखा रहा है तो आप जो है उसको सही मान लो। वो देख नेशनल हीरो कह रहा है एडम तुम गलत हो, ये भी यहूदी की साजिश है। आई लाइक दिस कमेंट।